मथुरा कोर्ट ने राम वृक्ष यादव की मौत पर संदेह जताते हुए मथुरा पुलिस को उसका डीएनए टेस्ट कराने के आदेश दिए हैं। यह आदेश मथुरा कोर्ट ने 2011 के एक पुराने मामले में राम वृक्ष यादव के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट के मामले में हुई सुनवाई के दौरान दिए गए हैं। कोर्ट के मुताबिक पुलिस ने राम वृक्ष की मौत से जुड़े जो भी सबूत पेश किए उन्हें जांच के बिना ही सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि राम वृक्ष की मौत के बाद उसके शव की पहचान उसके परिवार वालों से नहीं कराई गई। साथ ही उसके साथ महज फोटो देखकर उसकी पहचान की गई, लिहाजा कोर्ट ने मथुरा पुलिस और सीएमओ को राम वृक्ष यादव का डीएनए जांच कराने के निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि 10 मार्च 2011 को राम वृक्ष यादव और बाबा जय गुरुदेव के अनुयायियों में थाना हाईवे इलाके में स्थित पेट्रोल पंप पर मारपीट हुई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचा था। पोस्टमार्टम हुआ है तो इनका जो डीएनए आपने जब किया है डीएनए के लिए, वो डीएनए टेस्ट इनका होना है, तो उन्होंने डीएनए टेस्ट के आदेश दिए हैं सीएमओ को। और उसमें अगर डीएनए टेस्ट में उनका वो आएगा कि वो राम वृक्ष यादव थे, तो उसके बाद अदालत उस पर उनके केस को एबिट। जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उन रूलिंगों का हवाला दिया है कि अक्सर क्या होता है कि लोग गलत आइडेंटिफाई कर देते हैं अपने परिवार तो मरा, और फिर उसको गलत आइडेंटिफाई करने के बाद में ये होता है कि बाद में वो व्यक्ति जिंदा निकल आता है। तो कोर्ट ने अपने उस एपेक्स कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराया है और उसके आदेश के तहत डीएनए टेस्ट किया। ये बात अभी मैं संज्ञान में आपके द्वारा बताई गई है। वैसे जैसे आपको मैंने पहले भी बताया और आप सभी अवगत भी हैं कि उनके एक साथी हरनाथ ने डेड बॉडी की पहचान की थी, लेकिन हमारे जितने भी यहाँ डेड बॉडी हैं उन सभी के डीएनए सैंपल्स रखे गए हैं और जहाँ भी संशय होगा हम उसको वेरीफाई करके उसको 100% ऑथेंटिकेट कर देंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। विपेंद्र हमारे साथ है। विपेंद्र, ये तो एक तरीके से कहीं एक नया मामला सामने आ रहा है, किस तरह से अब डीएनए टेस्ट की तैयारी हो रही है? किसी तरह बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से राम वृक्ष यादव की जो मरने की जो बात सामने आई है और वो जो कोर्ट कह रहा है कि राम वृक्ष यादव भी मरा नहीं है, उनके जो वकील हैं उनका कहना है कि राम वृक्ष यादव के द्वारा जो पुलिस के द्वारा जो वेरीफाई किया गया था कि राम वृक्ष मर गया हरनाथ के द्वारा, हरनाथ जो राम वृक्ष का साथी बताया जाता था, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि सीएमओ को और पुलिस को कि जो उनका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए और डीएनए टेस्ट के आधार पर ही माना जाएगा कि राम वृक्ष जिंदा है या मर गया। इसी तरह चलिए विपेंद्र, अपडेट लेंगे, जानकारी देने के लिए धन्यवाद।